वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। आज मैं जा रहा हूँ जटोली महादेव मंदिर में, जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ऐसा माना जाता है कि वो मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। और वहाँ पे पत्थरों को थपथपाए तो वहाँ से डमरू बजने की आवाज़ भी आती है। तो गाइस, आज हम वहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ अभय और जीवन है। अभी निकलते हैं यहाँ से, बस पकड़ते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोग को। तो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं पंचकुला के बस स्टैंड में। बाकी यहाँ से हम सोलन के लिए बस पकड़ते हैं, देखते हैं रास्ते में क्या क्या सीन है, आपको दिखाते हैं। बस भी आ चुकी है, अब चलते हैं। ठीक है, तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सोलन शहर में। अब यहां से हम जटोली के लिए बस लेंगे। बाकी आप पीछे सोलन शहर देख ही सकते हैं, पहाड़ों में बस रखा है। पूरा इतना प्यारा शहर है ना, मज़ा आ गया देख के भाई साहब। मतलब पहाड़ों में ऐसे घर टाइप के जैसे अपने अल्मोड़ा में बने हैं ना, वैसे ही बने हैं। बाकी दिखाता हूँ आप सभी लोग को, ये रहा गाइस सोलन। चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़, पहाड़ों पर घर दिखेंगे। अभी चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम जटोली में। अभी जटोली मंदिर यहां से थोड़ा ऊंचाई पे है, 108 सीढ़ियाँ है। अभी कह रहे थे अभी 108 सीढ़ियाँ चढ़ने का मंदिर आएगा। बाकी आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ को ठंडा हो रहा है यार, हम जब वहाँ से हरियाणा से निकले तो उस टाइम पे थोड़ा गर्मी थी, लेकिन यहाँ आके मैं हाफ कमीज में आ गया, ठंडा हो रहा है यहाँ के, क्योंकि आज बादल भी लगे हैं। बाकी चलते हैं ऊपर को, दिखाते हैं आपको मंदिर, चलते हैं देखते हैं क्या क्या सीन है, बता नहीं सकता, खुश हो रहा है। इस मंदिर पहुँचने से पहले भूख लग गई यार, खाया कुछ नहीं था तो केले ले लिए, मंदिर के लिए भी ले लिया थोड़ा प्रसाद, केले वेले खाते हैं चलते हैं। हेलो, कैसे हो गाइस? जैसे भगवान राम रामायण में लिखा हुआ है जी, कि मनुष्य जो है भगवान से वादा करता है कब, जब वो उल्टा होता है, उल्टा रहता है गर्भवास में, जब उल्टा रहता है तब तो वादा करता है, हे भगवान हमको जो उल्टा है सीधा कर दो, और सीधा होते ही भजन करेंगे तुम्हारा दिन रात। यानी तज देवे शोक धाम सब काम, और लेंगे रात दिन तुम्हारे नाम। ऐसे हो रहा है, हमको मंदिर इसीलिए पसंद आया कि 24 घंटे 24 आवर्स भजन के साथ। सो गाइस पीछे राह दिख रहा होगा हल्का हल्का मंदिर, चलते हैं जाते हैं मंदिर। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन गेट पे। अभी यहां से एंट्री होगी, ऊपर पे गणेश जी विराजमान है। बाकी चलते हैं अंदर को, ये रहा पीछे भोलेनाथ मंदिर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम जटोली महादेव मंदिर में, पीछे आप देख सकते हैं। बाकी जाते हैं अंदर, जय भोले की, चलते हैं यार। सो गाइस ये रहा यहाँ का मुख्य द्वार मंदिर से वाले योगानंद जटोली, चलो। Thank you.
समाधि है बाबा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम भोलेनाथ के दरबार में, दिल खुश हो गया है। और गाइस मंदिर के बारे में आपको बता दूं, यह मंदिर को एशिया का या दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई 122 फीट है। आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही ऊंचा मंदिर है। और साथ ही गाइस यहां हाल ही में एक 17 लाख का स्फटिक शिवलिंग चढ़ाया गया है, भेंट कराया गया है। और इसके ऊपर में एक स्वर्ण कलश चलाया गया है हाल ही में, जो कि 11 फुट ऊंचा है, पूरे सोने का बना हुआ है। और आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने से आवाज़ आती है। अभी तो हमने ट्राई किया नहीं, अभी थोड़ा देर में ट्राई करते हैं कि सच में आवाज़ आती है या फिर न्यूज़ फैला रखी है। बाकी गाइस मंदिर घूमते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है यहाँ आसपास में, फिर मिलते हैं आप सभी लोग को, ठीक है। सो गाइस ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पत्थरों को थपथपाने से आवाज़ आती है, एक बार ट्राई करते हैं कि सच में आ रही है नहीं आ रही है, देखते हैं, ठीक है। चलो आ रही है यार गाइस, हल्की हल्की आ रही है अब, तो वीडियो में आ रही नहीं आ रही है पता नहीं, वैसे आ रही है। मेरा कैलाश भाई गाइस आवाज़ तो आ रही है, बाकी और देखते हैं घूमते हैं क्या क्या है यहाँ अंदर। कौन ले जाने दे रहे यार, अलाउ नहीं है अंदर, मतलब अभी तो हम ऐसे मंदिर के बाहर बाहर ही घूम रहे हैं, बाकी अंदर तो अलाउ है नहीं। आप देख सकते हो ऊपर ऐसे दिख रहा, बहुत ही ऊँचा मंदिर है भाई साहब। चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ। चलो जी लकड़ी ले जानी है ऊपर, चलो ठीक है। चलो ये देखिए गाइस सब लोग ला रहे हैं लकड़ी, आजा आजा बाबू आजा आजा। गाइस पता नहीं क्या क्या काम करा रहे हैं यार यहाँ, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है। लकड़ी लेके आओ, गए लकड़ी लेके चल रहे हैं, कहाँ ले जाने हैं। जैसे तो गाइस इस मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ पर भोलेनाथ ने कुछ टाइम विश्राम किया था, उसके बाद कुछ टाइम बाद परमहंस कृष्णानंद स्वामी जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत कई सालों तक तपस्या करी और उसके बाद इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया था। और माना जाता यह है कि यहाँ पर पहले पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, यहाँ पर पानी नहीं था, तो जब कृष्णानंद स्वामी जी ने यहाँ पर तपस्या करी, उन्होंने फिर शिव जी के त्रिशूल से एक यहाँ पर सामने एक जगह है वहाँ पर उन्होंने प्रहार किया, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी आने लग गया। तब से आज तक यहाँ पर पानी की कभी कमी नहीं हुई है, ऐसा माना जाता है। और गाइस चलते हैं अभी वहाँ पर, आपको पानी कहाँ पर है वो भी दिखाता हूँ। बाकी आप पीछे मंदिर देख सकते हैं, तभी इसे एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले ये 111 फुट ऊंचा था, हाल ही में यहाँ पर 11 फुट ऊंचा स्वर्ण कलश चढ़ाया गया है। ऊपर सोने का दिख रहा है, हल्का हल्का पीले कलर का दिख रहा होगा आपको। बाकी गाइस यही इस मंदिर के बारे में, आगे को और घूमते हैं। अभी यहाँ भंडारा है, भंडारा खा के जाएंगे हम, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो गाइस वहीं ऊपर पे पानी प्रकट हुआ था जब कृष्णानंद परमहंस स्वामी जी ने त्रिशूल मारा था, तो गाइस जाते हैं वहाँ देखते हैं। और जगह का निर्माण कार्य चल रहा है, पर बना रहे हैं अभी चल रहा है, ये भी दक्षिण द्रव्य शैली में बन रहा है, देखते हैं अंदर। और चलो फिर देख सकते हैं गाइस लंबी कतार, हम भी लंबी कतार में खड़े हैं। गाइस कुछ टाइम बाद इसका भी अच्छा डिजाइन बन जाएगा, अभी बन रहा है, अभी कलर वलर कुछ नहीं हो रखा है, बन रहा है अभी ऊपर से भी। यही वो जगह है जहाँ पर कृष्णानंद परमहंस जी ने त्रिशूल मार के पानी प्रकट किया था। अभी हम पानी वानी चढ़ा के आ चुके हैं, ये भाई साहब गिलास में पानी ला रखे हैं तो हम भी पीते हैं, सर में चढ़ाते हैं। आगे संतों को बैठने का भी है, आप लोग सभी चले गाइस। हम अभी लाइन में खड़े हैं, पता नहीं लाइन कहाँ जा रही है, बहुत भीड़ हो रही थी,
हमें जब कुछ होगा आगे तो हम भी लाइन में खड़े हो गए पीछे, देखते हैं क्या है। बहुत लंबी लाइन लगी यार। हैं और लेकिन फन मना रहा है मजा मना रहा। तो गाइस ये सिद्धू गुफा है, देखते हैं अंदर गुफा में क्या है। चलो भाई रुका जी। गाइस ये था एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। बाकी गाइस यहाँ भंडारा 2 बजे बाद होगा, अभी हमको लेट हो जाएगी, तो हम चलते हैं मार्केट में कुछ खा लेंगे, चलते हैं यहाँ से। बाकी भाई लोगों को भी भूख लगने लगी है, इसको तो सबसे ज़्यादा भूख लग रही है, कब से कह रहा है खाना 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 करके, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, फेस छुपा रहा अपना है। गाइज अभी आ चुके हैं हम रोड पे नीचे, अब जाते हैं सोलन की ओर, बस पकड़ते हैं यहाँ से, थोड़ा देर बस का वेट करते हैं, बस मिलते ही जाते हैं सोलन, फिर देखते हैं वहाँ। गाइज आ चुके हैं अब सोलन पे, अब लग रही है भूख यार, सुबह से कुछ खाया है नहीं, कल रात ही खाया था बस केले से, पेट पूजा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, चक्कर भी आ रहा था यार बस में बैठे बैठे, उनमें जोर था तो भूखे पेट हो जाता है यार। अब कुछ खाते हैं, रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, फिर जाते हैं, फिर खाते हैं। सो गाइज रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते हमको रेलवे स्टेशन मिल चुका है, रेस्टोरेंट फिर भी नहीं मिल रहा है, मार्केट पता नहीं कहाँ है, आगे से जा रहे ऊपर को, आगे को देखते हैं क्या पता वहाँ हो या फिर वहाँ से चलो वहाँ से जाते हैं, देखते हैं क्या है। चलो गाइस ये ट्रेन की पटरी जाते जाते अंडरग्राउंड हो चुकी है, यहाँ से लंबी गुफा एक, फिर पता नहीं कहाँ है, जाइए आगे दिख रहा थोड़ा बहुत, चलो चलते हैं। बाकी ट्रेन की पटरी से होके तो आ चुके हैं, अब ऊपर मार्केट में पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, फिर खाना खाते हैं यार। कब से बोल रहा हूँ खाना खाते रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा, क्या करें। गाइस फाइनली मिल चुका है हमें रेस्टोरेंट, मंगा लिया हमने थाली, खाते हैं, फिर क्या हो जा रहा, क्या बताएं आपको, अब क्या हाल है हमारे, घूमते घूमते हाल बेहाल हो चुके हैं यार, क्या करें, चलो खाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस आ चुका है खाना, खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से भी। तो गाइस खाना वाना तो खा लिया है, खाना ऐसा ही आ रहा है, क्या बताऊँ, खा लिया बस, नहीं आया 1% भी नहीं, मज़ा किसी को नहीं आया, बस भूख लगी थी खा लिया है, भूख लगी थी, पेट भरना था भर लिया बस, हो लूटना हो रहा है इन्होंने यहाँ बंदू को, लूटना, महंगाई इतनी है और खाने में कुछ टेस्ट है, क्या करें, चलो चलते हैं। बाकी अब देखते हैं, बस पकड़ते हैं, निकलते हैं यहाँ से या थोड़ा घूमते हैं। गाइस ये रही सोलन की मेन मार्केट, चल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ मार्केट में। बाकी हम जाते हैं हम नीचे को रेलवे स्टेशन को, वहाँ से बस स्टेशन से रूम को, चलते हैं यार। अब ये अंकल जी है, इन्होंने हमें एक ही बार बोलने में पहचान लिया, बढ़िया है, कुमाऊनी भाइयों को पहचानने में देर नहीं लगती, कुमाऊनी भाइयों को पहचान बोला और हमने पकड़ा। चलो थैंक यू अंकल। अभी मैं हूँ सोलन के रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन कितना यूनिक बना रखा है यहाँ, मतलब आप देख सकते हो और जगह के रेलवे स्टेशन, और यहाँ के देखिए पीछे से इतना प्यारा है ना। अभी जो ट्रेन है आई नहीं है, ये रहा, चलते हैं। बाकी अब यहाँ से घूम लिया सोलन भी, अभी आऊँगा कुछ टाइम बाद, यहाँ मेला लगने वाला है सलोनी मैया के मंदिर पे, तो आऊँगा कुछ टाइम बाद, चलते हैं फिलहाल यहाँ से, ठीक है। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं पंचकुला पे, अब जाते हैं यहाँ से रूम की ओर। बाकी बस में बहुत ज़्यादा नींद लगी थी यार, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी उड़ना जाना, फिर थक टाइप का गया था तब नींद लग गई थी। अब उतर चुके हैं पंचकुला में, अब यहाँ से जाते हैं, गर्मी हो रही है यार यहाँ। गाइस फाइनली घूम घाम के पहुँच चुके हैं हम अलीपुर पे, बाकी अब जाते हैं रूम को, और इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, थैंक यू। I'm gonna go to the bathroom.